नेक्स्ट एंड लास्ट बाइसिंग है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइसिंग होती है। जो हमने लास्ट बाइसिंग पढ़ी थी सेल्फ बाइसिंग और एमिटर बाइसिंग, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बैटरीज को लेकर के, उन बैटरीज की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइसिंग है। इसका सर्किट डायग्राम ऐसा है, इसमें हम लोग दो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं R1 एंड R2 एंड एमिटर रेजिस्टेंस RE। इन तीनों रेजिस्टेंस के हेल्प से बायसिंग की जाती है। कलेक्टर रेजिस्टेंस RC जो कि कलेक्टर पर कनेक्टेड है। बायसिंग के लिए हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पर VCC। अब अगर इस सर्किट को हम देखते हैं तो इस सर्किट को देखने से हमें ये समझ में आता है कि इसका एनालिसिस ऐसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ये एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है कुछ और रहेगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कुछ और रहेगा। इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें थेवेनिन थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वोल्टेज और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे, क्योंकि हमें इनपुट एनालिसिस करनी है और आउटपुट एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए हमें पहले इस सर्किटरी को सॉल्व करना पड़ेगा, वरना इस सर्किटरी को सॉल्व किए बिना हम इनपुट एनालिसिस और आउटपुट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट एनालिसिस करने के लिए ये जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है R1 और R2 जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट फॉर्म कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे थेवेनिन थ्योरम से। थेवेनिन थ्योरम हमें वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं VTH, वो देगा और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा जिसे RTH या R इक्विवेलेंट कहा जाता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट की हेल्प से हम लोग थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है इसके अक्रॉस हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए जो बायसिंग बैटरी है VCC, बायसिंग बैटरी को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि इस VCC को ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने का मतलब है कि एक तरीके से हम VCC को ग्राउंड कर रहे हैं। ग्राउंड, जैसे हमने यहाँ पर एमिटर रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड का मतलब क्या है? ज़ीरो पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर VCC को इजी कैलकुलेशन के लिए VCC को ज़ीरो करेंगे, मतलब ग्राउंड करेंगे, मतलब कि ज़ीरो पोटेंशियल करेंगे। तो तरीके से कहेंगे हम, जब हम लोग सर्किट को रिड्रॉ करेंगे, ये जो हमारा सर्किट है इस सर्किट को जब रिड्रॉ करेंगे, तो इस सर्किट को रिड्रॉ करने पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो बायसिंग बैटरी है VCC, बायसिंग बैटरी को जब हम ज़ीरो रखेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा। जब ये ग्राउंड हो जाएगा तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक ही टर्मिनल हो जाएंगे। मतलब ये कि जो आपका R1 है वो अब इसी टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि जो टर्मिनल आपका ये है, ज़ीरो पोटेंशियल ये भी है। हमने VCC को ज़ीरो रखा, VCC को ज़ीरो रखने पर हमारा ये जो है ये भी ज़ीरो पोटेंशियल हो गया। दैट्स मीन कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल अब सेम हो गए हैं। तो ये R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे एक दूसरे के। जब R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा RTH का वैल्यू क्या होगा। सर्किट को हमने रिड्रॉ किया, जो VCC था उसको हमने शॉर्ट सर्किट किया, मतलब ज़ीरो किया। ज़ीरो करने का मतलब ये आपका क्या है, ये ज़ीरो पोटेंशियल है। तरीके से ये ज़ीरो पोटेंशियल है और ये भी ज़ीरो पोटेंशियल है। तो हमने यहाँ पर इसको रिड्रॉ किया, केवल इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को लेकर के आए। यहाँ पर हमने इसको ज़ीरो किया। ज़ीरो करने का मतलब है कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक साथ ही कनेक्टेड हैं। इसको ऐसे भी रिड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोग RTH निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? R1 पैरेलल विद R2, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यह हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो जो हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 निकल के आया है। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने सर्किट को वहाँ से, जो मेन सर्किट था, हमने मेन सर्किट से अपना पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को निकाल लिया। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को निकाला तो वहाँ से वोल्टेज की कैलकुलेशन करने के लिए, देखिए ये बी पॉइंट है, यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है। यहाँ से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा।
थेवेनिन वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहा जाता है। तो जब इसके अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे या ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे तो सिंपली हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या जिस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाई मेन वोल्टेज जो कि आपका ये है VCC, ये आपका हो गया थेवेनिन वोल्टेज और वी कैन से कि ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हमने अब ये जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होकर के आ रहा था, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि इनपुट साइड पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। अब जब हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है तो उसकी हेल्प से हम लोग इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज की मदद से। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज का जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होता है वो ऐसे ड्रॉ होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकल के आता है। थेवेनिन वोल्टेज के साथ अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। अब ये जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस सर्किट से। तो जो हमारा मेन सर्किट है, मेन सर्किट में जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की जगह पे हम इस सर्किट को कनेक्ट कर देंगे, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे मेन जो सर्किटरी है हमारा। फिर मेन सर्किटरी में रिप्लेस करने के बाद हम इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे इनपुट साइड और आउटपुट साइड। अब यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कनेक्टेड था उसको हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, VTH और RTH कनेक्ट कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि हम सिंपली यहाँ पर KVL अप्लाई कर पा रहे हैं। जो पहले जब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कनेक्टेड था उस वजह से हम इनपुट साइड पर KVL अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम इजीली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद इजीली हम यहाँ पर KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस इनपुट साइड पर KVL अप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे हमारी इक्वेशन यहाँ से निकलेगी VTH, यहाँ पर KVL लगाएंगे VTH माइनस IBRTH माइनस जो यहाँ के क्रॉस ड्रॉप होगा बेस और एमीटर के क्रॉस माइनस VBE माइनस जो एमीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा वो IE RE इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि हम जानते हैं IE इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC एंड IC इज इक्वल टू हम जानते हैं IC इज इक्वल टू क्या होता है बीटा IB। तो बीटा IB को हम यहाँ पुट करें अगर तो IE इज इक्वल टू IB प्लस बीटा IB, IB कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें IE की वैल्यू मिल गई। इस IE की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इस IE की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। IE की वैल्यू यहाँ पुट करने पर IE की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बीटा प्लस वन इंटू IB, IE की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बेस करंट की वैल्यू क्या आ रही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बेस करंट की वैल्यू हमें IB इज इक्वल टू VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस बीटा प्लस वन इंटू RE फाइंड आउट हो जाएगा। हमने इनपुट साइड की कैलकुलेशन कर ली, हमें IB बेस करंट की वैल्यू मिल गई है, मतलब इनपुट करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें नेक्स्ट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कलेक्टर करंट की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, IB की वैल्यू हमें गिवन है तो कलेक्टर करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। तो आउटपुट साइड जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ का हम एक पैरामीटर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट साइड कैलकुलेशन करने के लिए आउटपुट साइड बायसिंग बैटरी कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हमने बीटा बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी जिससे हम कलेक्टर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा आई बी से, तो यहाँ पर हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे वी सी ई की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जब हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। आउटपुट साइड KVL अप्लाई करने से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई आर ई इक्वल होगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि एमीटर करंट इज नियर अबाउट इक्वल टू कलेक्टर करंट होता है, तो हम यहाँ पर एमीटर करंट को कलेक्टर करंट से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम रिप्लेस करेंगे एमीटर करंट को कलेक्टर करंट से तो इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी, माइनस रिप्लेस कर दिया हमने आई को आई सी से इंटू आर ई, देन आई सी कॉमन ले लेंगे हम,
तो जो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है आउटपुट वोल्टेज के लिए, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE निकल के आ रहा है। अब इस सारी कैलकुलेशन से हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हमने इनपुट करंट, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया है, जिसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक में, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं IB, IC एंड VCE, ये हमें ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे कि क्या लोकेशन होगी हमारे आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट की ऑन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम की पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में टेम्परेचर और बीटा की वैल्यू चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑपरेटिंग पॉइंट पर। जैसे हमने प्रीवियस केसेस में देखा था कि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करने से और बीटा की वैल्यू चेंज करने से ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट पर चेंज हो रहा था, तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिवाइडर के केस में क्या चेंजमेंट मिलता है ऑपरेटिंग पॉइंट पर अगर हम टेम्परेचर और बीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हमें पता है कि बीटा की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। यहाँ पर कलेक्टर करंट अगर बढ़ रहा है तो हमने प्रीवियस जब कैलकुलेशन सॉल्व की थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने देखा था वहाँ पर कि कलेक्टर करंट इज नियर अबाउट इक्वल टू एमीटर करंट था। तो कलेक्टर करंट इज नियर अबाउट इक्वल टू एमीटर करंट होने की वजह से जितना चेंज या फिर जितना वेरिएशन कलेक्टर करंट में आएगा उतना ही वेरिएशन एमीटर करंट में आएगा। तो यहाँ पर कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से एमीटर करंट भी बढ़ जाएगा। एमीटर करंट बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारा ड्रॉप है रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस, क्योंकि एमीटर करंट हमारा कहाँ फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस, मतलब एमीटर रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस हमारा एमीटर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अक्रॉस ड्रॉप हमारा बढ़ जाएगा। जब ड्रॉप हमारा बढ़ जाएगा तो देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है, VBE को हम लिख सकते हैं VB माइनस VE। ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं VB माइनस VE। यहाँ पर VB है माइनस VE क्या है माइनस IE RE। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हमारा ड्रॉप जो है मीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस, अगर ड्रॉप हमारा बढ़ रहा है, ड्रॉप अगर हमारा बढ़ रहा है, ड्रॉप बढ़ने का मतलब क्या है कि ये और नेगेटिव होते चले जाना, और नेगेटिव होते चले जाने का मतलब क्या है कि जो हमारा VBE है VBE का और घटना स्टार्ट हो जाना। जब VBE और घटना स्टार्ट करेगा तो VBO के और घटने से जो हमारा बेस करंट है वो घटना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि बेस करंट में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा वेरिएशन हमारे कलेक्टर करंट में होगा उतना ही बेस करंट हमारा कम हो जाएगा। तो कलेक्टर करंट बढ़ने से या बीटा की वैल्यू में चेंज होने से कलेक्टर करंट में जो भी वेरिएशन आ रहा है वो बेस करंट अपने आप को कम करके कंपनसेट कर लेगा और जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हमारा ड्रॉप बढ़ा, ड्रॉप बढ़ने से हमारा VBE जो है वो कम हो जाएगा। जब VBE कम हो जाएगा, VBE के कम होने से, यहाँ पर लिख देते हैं VBE के कम होने से ड्रॉप बढ़ा, ड्रॉप बढ़ने से VBE हमारा कम हो जाएगा, VBE के कम होने से बेस करंट जो है वो कम हो जाएगी, बेस करंट अपने आप को कम कर लेगी कि कलेक्टर करंट में जितना वेरिएशन हो रहा है उतना वेरिएशन अफेक्ट ना करे हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट को, वो उतनी ही वैल्यू से डिक्रीज कर जाएगी। तो जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिक्स ही रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट पर कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जितना चेंजमेंट हमारा कलेक्टर करंट में हो रहा है उतना ही डिक्रीज कर दे रहा है बेस करंट अपने आप को, तो ऑपरेटिंग पॉइंट पर कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का मेरिट है कि कलेक्टर करंट में वेरिएशन होने से या फिर बीटा की वैल्यू बढ़ाने से हमारा बेस करंट अपने आप को उतना ही कम कर ले रहा है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये एक मेरिट है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा फिक्स ही रह रहा है। लास्ट पॉइंट हमने देखा कि कलेक्टर करंट बढ़ाने से भी बेस करंट अपने आप को उतना ही कम कर ले रहा था, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा स्टेबल रह रहा था, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा था, बेस करंट कंपनसेट कर दे रहा था जो भी इंक्रीमेंट हो रहा था कलेक्टर करंट में, बेस करंट अपने आप को उतना कम कर ले रहा था, तो हमारा जो वेरिएशन था कलेक्टर करंट में वो कांस्टेंट ही रह रहा था, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट था हमारा वो शिफ्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं R1 और R2, अगर हम उनका प्रॉपर सिलेक्शन कर लें, अगर R1 R2 को एक प्रॉपर सिलेक्शन कर लिया जाए, तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है उसमें हम लोग बीटा को, मतलब बीटा से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर हम एक प्रॉपर सिलेक्शन लें R1 R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू का।
तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा तब भी शिफ्ट नहीं करेगा। अगर हम एक प्रॉपर सिलेक्शन करें रेजिस्टेंस की वैल्यू में, तो बीटा पर ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करेगा। तो इस केस में हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो शिफ्ट नहीं होगा, मतलब स्टेबल रहेगा। तो एक हमारा मेरिट और हो गया कि यहाँ पर हमारा बीटा, ऑपरेटिंग पॉइंट बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, R1 R2 का प्रॉपर सिलेक्शन अगर कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग पॉइंट बीटा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। दूसरा हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस आर ई हमने यूज़ किया हुआ है, जो मीटर रेजिस्टेंस आर ई यूज़ किया हुआ है, उसकी वजह से सर्किट में एक फीडबैक फॉर्म हो रहा था। सर्किट में फीडबैक फॉर्म होने की वजह से हमारा ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है ड्रॉप हो रहा है, तो वो ड्रॉप क्या करेगा, जो कलेक्टर करंट है उसको इंक्रीज होने में अलाउ नहीं करेगा, कलेक्टर करंट को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है, तो कलेक्टर करंट हमारा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल रहेगा। और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का जो मेरिट है वो ये है, अगर हम उसको पॉइंट में लिखें तो हमें ये देखने को मिल रहा था कि कलेक्टर करंट में वेरिएशन करने से भी हमारा बीटा जो बेस करंट था अपने आप को उतना ही कम कर ले रहा था, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा था। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को हम प्रॉपर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बीटा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तब भी हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब स्टेबल रह रहा है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट हम देख रहे हैं कि हर केस में ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा स्टेबल रह रहा है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के केस में स्टेबल रहता है, चाहे हम बीटा की वैल्यू में चेंज करें या फिर टेम्परेचर में वेरिएशन करें, उसकी वजह से हमारा कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है कलेक्टर करंट में, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होता है। दूसरा मेरिट वही है कि जो रेजिस्टेंस है, जो R1 R2 जो बायसिंग रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रॉपर सिलेक्शन करें। बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज़ किए जा सकते हैं इसके लिए, तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है कि हमें इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में केवल DC सप्लाई की ज़रूरत होती है।